हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग घुमाने लेके जा रहे हैं आप लोगों को, ये है दारिंगबाड़ी के नेचर कैंप, उसके अंदर जाएंगे तो आप लोग उसके अंदर जाके दिखाते हैं अंदर में दिखने को कैसा है। तो ये मेरे साथ अभी नेचर कैंप के अंदर जा रहे हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं नेचर कैंप का नज़ारा, लेकिन आर्टिफिशियल बना हुआ। चलिए देख सकते हैं दोस्तों, ये है यहाँ का ट्रेडिशनल, जो आदिवासी लोग रहते हैं तो उसके उसके हिसाब से लोग बनाए हैं, और लोग देख के फोटो भी खींच रहे हैं। पहले ऐसे ही लोग रहते थे, खींच सकते हैं। और ये घर है बांस का, लकड़ी और ये सब नेचर जैसे सब कलेक्ट करके बनाए हैं, बहुत खूबसूरत लग। हाँ, एक तो फोटो भी यहाँ खींचना है ना। ये है देख सकते हैं, ये नेचर कैंप का वो जो बना हुआ है, दूर से दिखा रहा हूँ। इस जो स्टैचू बना हुआ है, इस स्टैचू के साथ आप लोग फोटो खींचो, फोटो खींचने से बहुत मस्त दिखता है। देखिए सब लोग फोटो खींच रहे हैं, आप लोग भी आके फोटो खींचिए। लगता है पूरा ओरिजिनल लोगों के साथ फोटो खींच रहे हैं हम, ऐसे लग रहा है। आशीर्वाद कीजिए, और यहाँ अच्छे अच्छे जगह घूमने के लिए कुछ बताइए। चलते हैं, कैसे आप, अच्छे हैं? तेरा पीछे पीछे रहूँगा। तो दोस्तों हम लोग अभी आ गए, मेडिसिनल पार्क है ये। मेडिसिनल पार्क मतलब यहाँ आयुर्वेद मेडिसिनल जो पौधे सब है, तो उसके अंदर हम लोग घूम रहे हैं। सब नाम भी लिखा हुआ है कौन सा पौधे सब। तो दोस्तों कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में आइए, उड़ीसा के कंधमाल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ आप लोग कुछ दिन रह के आप लोग को 4-5 दिन, एक नहीं तो आप लोग ये जगह का आनंद नहीं ले पाओगे। आप लोग आइए, रुकिए और देखिए, ख़त्म ही नहीं होगा। बटरफ्लाई नेचर कैंप के अंदर ये देख सकते हैं, बटरफ्लाई पार्क है, बटरफ्लाई पार्क देख सकते हैं। यहाँ प्रकृति कितना सुंदर दिख रहा है, और यहाँ ऐसे कुछ सजावट करके रखे हैं लोग, आप लोग देख सकते हैं। बांस, वो बांस देखो कितना, हम लोग को वहाँ ऐसा बांस देखने को नहीं मिलता, ये दूसरा अलग टाइप के बांस है। तो पीला कलर के हैं, मतलब ग्रीन नहीं, ये पीला हो गया भी, अंदर जो बांस है वो पीला दिख रहा है, इसलिए बहुत सुंदर दिख रहा। चलिए तो देख भाई, ये हम मतलब यहाँ झरना के ऊपर मतलब चढ़ना मना है, वो पानी बंद है, ये आर्टिफिशियल झरना बना हुआ था, पानी नहीं आ रहा अभी। देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है ये जगह, मतलब आप लोग ये ना, हम लोग अभी दोपहर के टाइम हो रहा है, ये शाम से पहले आने से ठीक रहता है, मतलब 3 बजे से अगर आओगे तो इस जगह घूमने के लिए बहुत आप लोग अच्छा लगेगा। और ये क्या है, वो भी एक झाऊ की झाऊ पेड़ की तरह है, वो मिक्स होके बहुत खुश लग, मतलब अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना और अपना परिवार के ख्याल रखो, बाय।